यहाँ बुलाया है कि मैं ये ट्यूटोरियल उनके ऊपर करूँ, बाकी चीजें मेरी मॉडल आपको बताएंगी। आइए मिलते हैं अपनी मॉडल से। हेलो मैम, कहाँ से आए हो आप और आप मेरे यहाँ क्या कराने आए हो? आपसे बंगाली लुक क्रिएट। ओह, आपको बंगाली लुक क्रिएट करवाना है? मेरी शादी मतलब बंगाल से ही। आप कहाँ से हो प्रॉपर? मैं बंगाल कोलकाता। ओह हो, आप कलकत्ता से हो और आपकी शादी हुई है वाराणसी में। तो मैम, जब आपकी शादी हुई थी तो आपको बंगाली लुक दिया गया था? नहीं, बंगाली लुक नहीं दिया गया था, नॉर्मली मतलब हुई थी, लेकिन मेरा हाल क्या है कि पूरे मैं आपसे बंगाली लुक में मतलब रेडी। आप जैसा कि इनका फेस देख रहे हो, ये वैसे भी बंगाली लुक की लग रही है। इनकी आंखें बहुत सुंदर है, थ्रेडिंग बहुत सुंदर है इनका। और मेरा बहुत दिनों से इच्छा भी था कि मैं एक बंगाली लुक की दुल्हन तैयार करूं। मैंने बहुत पहले तैयार किया था और मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आज मैं मोनिका की इच्छा भी पूरा करूंगी और अपनी इच्छा भी पूरा करूंगी। तो मोनिका, मेरा मेकअप तुमने कहाँ देखा, कैसा लगता है मेरा मेकअप? मैम, मैंने आपका मेकअप यूट्यूब पे भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा। वाह, आप मुझे फॉलो करते हो? फॉलो भी करती हूँ, शेयर भी करती हूँ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू मोनिका। से क्रिएट करते हैं मोनिका का बंगाली लुक। दोस्तों, थैंक यू सो मच मोनिका। तो आइए चलिए करते हैं मेकअप। इनके फेस का और इनके जहां जहां पे पोर है वहां पर मैं इस मॉइस्चराइजर को यूज कर रही हूँ। प्राइमर भी लग जाएगा और मॉइस्चराइज भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यही कर लेते हैं पूरे फेस को। जब भी आप किसी का मेकअप करने जाते हो तो आपको उसका स्किन स्टडी करना बहुत जरूरी है, सीटीएम अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका मेकअप ग्रे पड़ जाएगा, पैची हो जाएगा और डार्क स्किन हो जाएंगी। तो जब भी आप ऐसा करते हो, इनकी स्किन काफी ड्राई है तो इसलिए मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से आपको ऐसे स्किन पे करना है। छोटे छोटे रैशेस भी हैं, दाने भी हैं, वो भी मैं मेकअप से खैर हाइड कर लूंगी। इस तरह से देखिए, मैंने पूरे स्किन पे इनके कर दिया है, मॉइस्चराइजर लगा दिया है। अब इनकी स्किन में थोड़ा सा ग्लो आया है, हल्का सा। लेकिन इसके अलावा भी मैं इनके चेहरे पे ल्यूमिनेटर वगैरह यूज करूंगी जिससे इनके चेहरे पे और ज्यादा लाइट आएगा। पहला इनके ऊपर यूज कर रही हूं ना, ये मैबलिन का 330 यूज कर रही हूं, मतलब 330 नंबर। ये मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं कि मुझे इनके चेहरे को एक टोन में लाना है। जो दो टोन मुझे दिख रहा है इनके चेहरे का, एक टोन में लाना है, तो मैं इसीलिए ये कलर यूज कर रही हूं। ये फाउंडेशन डार्कर रखना है आपको, थोड़ा सा डार्क रखेंगे। बहुत लोग ऑरेंज कलर भी यूज, आई मेकअप से शुरू करेंगे इसको, हम छोड़ेंगे थोड़ा ड्राई होने के लिए। जब तक हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करेंगे तब तक ये हमारा जो फेस का ये बेस है वो सूख जाएगा। तो सबसे पहले हम आई मेकअप से शुरू करते हैं। इसके पहले
एकदम कंप्लीट है, बस मुझे ग्लिटर इस्तेमाल करना है जो मैं बाद में लास्ट में इस्तेमाल करूंगी। तो आइए बेस तैयार करते हैं। बेस आज मैं डर्मा से कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बहुत लोग कहते हैं कि डर्मा जो है जाड़े में काम नहीं करता, लेकिन अगर आपने फेस का सीटीएम अच्छे से किया है, मॉइस्चराइज अच्छे से किया है, तो डर्मा बहुत अच्छे से काम करता है। ये फुल कवरेज फाउंडेशन है, बेस होता है, तो इसलिए इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैं डर्मा से ही काम करूंगी। देखिए इनका फेस, आई छोड़ दो बेटा, तो आंख क्लोज करो। आपकी 64 नंबर इस्तेमाल कर रही हूँ और बाद में हाईलाइटिंग के लिए मैं दूसरा कलर इस्तेमाल, इसमें मैंने लुमिनेटर डाला है और मैंने डाला है सीरम। तो इसको हम अच्छे से इस पे मिक्स करेंगे। तो देखिए ये काफी, जो बहुत थिक था ना वो काफी पतला हो जाता है, और जब ये पतला हो जाता है तब हम इसको फेस पर यूं यूं करके, क्योंकि ये फुल कवरेज है तो मुझे ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लेना है। तो मैं देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से ये स्किन पे पूरा सेट हो जाएगा। कहीं हैवी मेकअप, ऊपर देखिए आप, आई के नीचे भी आप अच्छे से इसको सेट करेंगे। T4 जो कि काफी लाइट कलर है, आप जैसे देख रहे हैं इनके फेस से भी आप देख रहे हैं लाइट है, तो इसको सबसे पहले मैं नोज पे, इनके फोरहेड पे, अपर लिप के ऊपर नीचे, और ये जो हमारा हाईलाइट एरिया है ना, बस हम यहाँ यूज करेंगे, और कहीं पर इस कलर को आपको यूज नहीं करना है। क्या एरिया हाईलाइट लग रहा है, इसी समय हम कंटूरिंग का काम कर लेंगे। अभी आप ऊपर ही देखें, बहुत लाइट ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन कलर उठा रही हूँ, और इनके चीक पे हल्की सी कंटूरिंग करूंगी, क्योंकि हमारी जो मॉडल है ये खुद ही बहुत, इसके फेस की कटिंग बहुत अच्छी है, फिर भी क्योंकि आपको दिखाना है तो इसलिए मैं इनके कट्स लगा रही हूँ, जो कि मुझे जरूरत भी नहीं है इनके फेस पे, तो मैं हल्का ही कर रही हूँ। वापस से मैं T4 ले रही हूँ, और यहाँ हमारा साथ दिखाई दे इसकी, इसलिए मैं यहाँ पर एक लेयर अपने फाउंडेशन का यूज कर रही हूँ, ताकि हमारा जो कंटूरिंग है ना वो हमको साफ दिखाई दे। ये देखिए लिपस्टिक लिया है रेड कलर का, और चेक, आप स्माइल करिए, आप स्माइल कराएंगी अपनी मॉडल को, और यूं एक लेयर आप उसके चेक पे लिक्विड लिपस्टिक लगा देंगी इस तरह से। थोड़ा नोज पे चलता है, आपको पता ही है, तो लगाना पड़ेगा। तो अब देखिए, तो देखिए मैंने बहुत लाइट ब्लशर दिया है, हमें तो ऐसे डार्क लग रहा है पर इस कैमरे में लाइट आ रहा है। तो इधर भी मैंने कंटूरिंग के संग ये ब्लशर देख रहे हैं लगा दिया, बहुत पतली है, तो जब भी कोई पतले चेहरे का आप मेकअप करोगे ना तो कंटूरिंग आपको यूं करनी पड़ती है, मतलब हाफ सी बनाना पड़ता है दोस्तों। और जब कोई मोटा चमड़ा आता है जिसका ये बहुत भारी भारी होता है ना, तो हमको ऐसे डायरेक्ट इस वे में कंटूरिंग करनी पड़ती है। तो मुझे ये दिखाना है ना कि इसके खूब मोटे मोटे गाल हैं, तो आप देख रहे होंगे कि इसके जैसे लग रहा है कि सचमुच, स्माइल करो बेटा, ये देखिए, देखा आपने, जैसे लग रहा है कितने मोटे रिंग हो गया। तो अब मैं जो है ये मैक पाउडर से, जिसका नंबर है 3 NC30 स्टूडियो से, मैं एकदम बहुत थोड़ा सा लिया है, अब इसको हम फिक्स करेंगे अपने मेकअप को। तो मैं क्या करूंगी ना, ऑल ओवर फेस पे बहुत ही हल्के हाथ से इसको डैब करूंगी इस तरह से, और मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। तो अभी मैं इनके फेस पे पूरे पे फिक्सर करती हूँ। अब इसको हम 5 सेकंड तक छोड़ेंगे, अगर हमारे पास हो गया है इनका मेकअप, कहीं से भी ज्यादा नहीं लग रहा है, बेटे आंख क्लोज करो। ये देखिए अब इनका आई मेकअप आपको फुल अच्छे से दिख रहा है, जो मैंने आई मेकअप दिया है, आप बंद नहीं रहना बेटा, देखिए कितना प्यारा आई मेकअप लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ अपने। Thank you.
दोस्तों, ये है मेरा पूरा ट्रेडिशनल बंगाली लुक मेकअप। हेयर स्टाइल अभी बाकी है। मॉडल का इच्छा था कि वो खुले बाल में एक बार अपना लुक दिखाए लोगों को, तो मैंने ये खुला बाल उनका रखा है। और देख सकते हैं आप कि इनकी हाई कितनी कितनी प्यारी लग रही है। बहुत मेहनत है दोस्तों, हम लोगों को 3 घंटे हो चुके हैं और ये अपना बेबी छोड़कर आई थी। तो आँख बंद कर ली एक बार, ये देखिए आई पे मैंने ग्लिटर दिया है और ये मैंने इनकी मांग में रेसिपी करा है। और ये इनको मैंने पूरा बंगाली साड़ी, इधर घूम जाइए, पूरा बंगाली साड़ी इनको पहनाया है। ट्रेडिशनल जो बंगाली लुक होता है वो अगर बंगाली साड़ी ना पहनाई जाए तो वो पूरा नहीं होता, इसलिए मैंने इनको पूरा बंगाली साड़ी पहनाया है। आप देखकर जरूर जरूर बताइएगा, ये पूरा ब्राइडियल है, बंगाली ब्राइडियल मेकअप मैंने किया है। और आप देखकर जरूर बताइएगा कि मैं कहाँ तक पास हुई हूँ, मैंने कितना मेकअप अच्छा किया है, कितना खराब किया है। मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। मैंने इनको आई को बहुत ही अच्छा से हाईलाइट किया है, क्योंकि बंगाली में क्या होता है ना, आई का ही हाईलाइट ज्यादा करना होता है। और ये जो इनका ऊपर जो बनता है ना, ये डिजाइन जिसको आप क्या बोलते हो, इसको जो ऊपर बना हुआ है, कोलका बोलते हैं ये लोग इसको। और मैंने बहुत दिन के बाद ये कोलका बनाया है। कुछ कमियां भी हैं पर ठीक है, अच्छा लग रहा है इसके फेस पे। मैं इसलिए ही बहुत खुश हूँ कि मैंने कोलका बनाया है। और ये खुद बंगाल से है, कलकत्ता से है, तो अब ये खुद बताएगी कि मेरा मेकअप लुक इसको कैसा लगा। तो मोनिका, आप पूरा तैयार हो गई हैं, बस ओनली हेयर स्टाइल ही बाकी है जो अभी हम लोग करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। मैम आपको मेकअप तो बहुत अच्छा हुआ है और जैसा मैं सोची थी उससे ज्यादा ही अच्छा हुआ है। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा ही। अच्छा, तो आपने तो आप कलकत्ता में बहुत दुल्हन को भी आपने देखा होगा, तो इसी टाइप का उन लोग का भी मेकअप रहता जी है? जी हाँ, इसी तरह होता है मेकअप, इसी तरह रहता है। अगर ही काम करे, छोटा पार्लर के पास भी हुनर होता है। हाँ, हुनर होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली, हुनर होता है। हुनर हर जगह दिखा सकती हैं, दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। पर आप जो जैसे लोग होने चाहिए ना मैम, होता क्या है कि हम लोग छोटे पार्लर वाली है तो हम लोग को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, पैसा लोग बड़े पार्लर में देना पसंद करते हैं। और हम लोग खड़े होकर इतना काम से मेहनत की बात है। आप अगर सुंदर दिखना चाहती हैं तो खर्च तो करना ही पड़ेगा, खर्च तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम भी तो मेहनत से ही कर रहे हैं ना। हाँ, आप भी कुछ, जैसे मेरे मतलब चेहरे पे इतने सारे प्रोडक्ट आपने लगाया है। हाँ, हाँ। तो कुछ मेहनत से ही तो लगाया है। बिल्कुल, टाइम दिया आपने इतना, मेरा ही टाइम नहीं, आपका भी टाइम है इसमें इतना। हाँ। ज्यादा तो कुल मिलाकर मैं पास हो गई, आप ये बोलना चाहते हैं? मैं तो आपको 100 में से 100 इस मेकअप। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारा मेकअप है। हाइलाइटर मैंने दिया है और हिसाब से दिया है। देखिए इनके चीक पे स्माइल करेंगी, स्माइल करिए तो ये देखिए हाइलाइटर दिखेगा। मैंने बहुत ज्यादा चमचम वाला फेस नहीं किया है और आई मेकअप अच्छा करने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ कि आई मेकअप मेरा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी बताइएगा, बाकी बहुत